एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यक्ष जी तमाम पदाधिकारीगण, शमन मंच, क्योंकि वक्त बहुत हो गया है और मैं चाहूँगा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी श्री जी साहब का अपने चुनाव के विचार सुने और वो बहुत कम बोलते रहते, आपके भावनाओं को देखते हुए यहाँ जो गैदरिंग है उसके औरा को देखते हुए उन्होंने दिल खोल के अपनी बात करी। धन्यवाद तो आपको, जब आप आज टीम आए थे दो लाइन बोल के बैठ गए थे और यहाँ पर आज खुल के बात कर दी, इसलिए आपको भी बधाई। आपको गैदरिंग देखने वो पूरी टीम है इंडस्ट्री की भी, इंटेक्चुअल की भी, समझता हूँ इंटरव्यूर की भी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत कुछ सूर्य प्रजार दिन में सी बी जोशी जी कहते हैं। आप जब सी बी सूर्य प्रजार दिन में इतना लेक्चर देते लंबा कि बोलने जरूरत रहती नहीं बाद में, और इसमें कोई जरा नहीं थी। पाँच साल में आपके आशीर्वाद से तीन दूसरी बार मुख्यमंत्री बना आपने मुझे। अब विजन 2030 की बात क्यों शुरू करी मैंने, उससे कुछ दिन बात करना चाहूँगा। ये मेरा अनुभव जोधपुर का भी है और राजस्थान का भी है। जोधपुर का तो ये है कि जब मैंने शुरुआत करी 40-42 साल पहले मेरे मेंबर पार्लियामेंट ये बच्चन जी और सब बैठे हैं यहाँ पर, सबके नाम में क्या तो सब जानते हैं। उस वक्त से एक मर्दर एक्सप्रेस चालू की थी हम लोगों ने, दो ट्रेन थी उसी का, तीस का विजन इसलिए दिया कि हमने शुरुआत करी, मैंने भी अनुभव के जिंदगी के अंदर। आज जो जोधपुर है वो ये आगे बैठी पीढ़ी जान सकती है, पुरानी पीढ़ी जान सकती है, नई पीढ़ी को नहीं मालूम है। आज जो आधुनिक जोधपुर है जहाँ सारी संस्थाएं, मैं ये बात करता हूँ, जोधपुर आज देश का एकमात्र शहर है जहाँ पर वो सारी संस्थाएं जो शायद और किसी शहर में नहीं। कम्बिनेशन जो है कम्बिनेशन वो सिर्फ जोधपुर के अंदर है, जहाँ आपको IIT, IIM, IIIT तो बोटा में लगाई, बल्कि IIM के साथ में लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी एकमात्र आज़ादी के बाद में पहली कुटी था आज़ादी के बाद में। एम्स आ गए यहाँ पर, निफ्ट में मंत्री था टेक्सटाइल का, निफ्ट संस्था और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की, मुझे मालूम है जिसकी किस प्रकार की ये प्रीमियर संस्थान है। FDA यहाँ आ गया, सारी संस्थाएँ आ गई, ब्रॉडगेज आ गई, दो ट्रेन चलती थी दिल्ली मेल और आगरा फोर्ट, और जानते कि कितने घंटे लेती थी जयपुर पहुँचने के, दिल्ली पहुँचने के। आज क्रांति हो गई, मुझे नहीं मालूम कितनी ट्रेनें चल रही थी इसके हर कोने के अंदर, दिल्ली में और अहमदाबाद में बदलने नहीं पड़ती आगे जाने के लिए। तो उस वक्त भी जो सफर तय किया पानी के लिए, जो तीन बार जो तो खाली करने का बता गए, ट्रेन से पानी आता था यहाँ पर, एम्बुलेंस योजना मंत्री जी को भी मनाए थे मथानिया से रंसी गांव से, आज आप देख तो क्या हो रहा है। तो वो जो सफर तय किया था 40-42 साल पहले उसको देखा मैंने, आज आधुनिक जोधपुर बन गया है। ठीक है, सड़कें टूटी फूटी रहती है, कई कारण होते हैं उसके, काम चल रहा है। अब गैस पाइपलाइन आ रही है जोधपुर के अंदर, घरों में गैस कनेक्शन होगा LPG की जगह पर,
काम शुरू हो गया है तो सड़क टूटी थी उसके अंदर, कभी रेलवे मिशन के कारण टूट जाएगी, कभी और किसी कारण से टूट टूटती है, टूटी हुई है, कोई जानकारी इस बात का एहसास नहीं है, और मैं लगा हुआ हूँ जल्दी सड़क भी ठीक हो, मरम्मत भी हो। तो मैं जो कहना चाह रहा आपको, एक तो जोधपुर का अनुभव, अब तो मैंने अभी MBM इंजीनियरिंग कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दी, दिव्यांगों की डिसेबल की यूनिवर्सिटी आ रही जोधपुर के अंदर, एक बन गया हसबेंड्री के अंदर भी, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी आ रही है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी आ रही है, विश्वविद्यालय आना बहुत बड़ी बात है, जैसे RUHS जयपुर के अंदर एक फिनटेक इंस्टीट्यूट का दो, यूनिवर्सिटी का दो भी आ रही है, 600 करोड़ लग जा रहे, काम शुरू हो गया है मंदिर रोड पर, वो अभी जो बात हो रही थी बैंकिंग सिस्टम की, तो उसी में जो चार्ट अकाउंटेंट है बैंकिंग वाले हैं उन सब के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा फिनटेक इंस्टीट्यूट के माध्यम से, बहुत बड़ा काम हो रहा है, सबको नहीं मालूम हो सकता है, हर व्यक्ति का रहना सत्य है, आपकी जानकारी हो सकता है, 250 करोड़ की लागत से जो इंस्टीट्यूट आ रही है आपके भिवाड़ी में और कहानी वर्णालय है, 250 करोड़ की दो इंस्टीट्यूट आ रही है, राजीव गांधी के नाम से इंस्टीट्यूट बनेगी फिनटेक वाली, ऐसी इंस्टीट्यूट जयपुर बन रही है, पूना बनेगी, छोटे रूप में बनेगी, तो जो स्टार्टअप वाले लोग हैं, इसकी डेवलपमेंट वाले लोग हैं, उनके लिए भी प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो आज जो राजस्थान के अंदर तेल निकल गया बाड़मेर के अंदर, रिफाइनरी आ रही है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, 2024 31 दिसंबर का गए तब तक रिफाइनरी पूरा काम हो जाएगा, ये तमाम काम देखे हम लोग, तो राजस्थान वो नहीं रहा जो बंजर भूमि वाला राजस्थान था, ये आकाश होकर पड़ते रहते थे, अब बदलाव आ गया है, विंड एनर्जी शुरू हो गई, आज से 24 साल पहले जब मैंने शुरू की 2 मेगावाट से कर ली थी जैसलमेर में, आज ये 4500 मेगावाट की हुई है, सोलर शुरू हो गया वो भी लगातार 5000 6000 8000 के साथ बढ़ते जाएगा लगातार, इतना लंबी कतार है लगाने वालों की राजस्थान के अंदर। तो चारों ओर से देखें कि तमाम योजनाएं जो है जो बनाई गई राजस्थान के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, जो फैसले हमने किए हैं राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया, दुनिया में कहीं नहीं होगा राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया राजस्थान के अंदर, 4 एक्ट बनाए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने, RTI फूड सिक्योरिटी एक्ट और नरेगा, 5 एक्ट हमने बनाया राजस्थान के अंदर राइट टू हेल्थ, 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान कहीं नहीं, कितनी फायदा उसको ज़्यादा मालूम होता है, पर आम लोग भी समझते हैं कि कभी काम बढ़ गया तो 25 लाख के बीमा का अपने मायने होते हैं, ऐसे लोग इंटरेस्ट करते हैं मुझसे VC में, हम सोच नहीं सकते किस प्रकार का इलाज हुआ, किस प्रकार एक महिला भी बात करें कि हार्ट ट्रांसफर हो गया उसका, सोच सकते हैं, और फ्री के अंदर घुटने में एक महीना के दोनों घुटने दोनों क्या कहते हैं इसको चरम पर लगे हैं, बहुत रेयर केस होता है, फ्री में होना आप सोच सकते हो, हार्ट का जो आपका ये स्टन लगता मेरे लग गया फ्री में लगा, ठीक है आप सोच सकते हो कि अंदर जाओ जेब में खाली हो, बाहर आओ इलाज पूरा फ्री, पहले आप जाते थे तो गाँव में जाते थे जैसे कोई धर्म बीमार पड़ता जाते तो उधार लेके जाते 5-10 हज़ार उसमें उधार लेके जाते, फिर बताने कितना खर्च होगा 1000 2000 5000, अब कोई जरूरत नहीं उसको, फ्री में जाओ फ्री में आप आराम से आ सकते, क्योंकि मामूली फैसले नहीं है, 25 लाख का बीमा मामूली फैसला नहीं है, बहुत बड़ा फैसला है, 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, 5 लाख बीमा भारत सरकार का है, और भी कई फैसले थे, तो कहने पर इतने फैसले हम कर चुके हैं राजस्थान के अंदर भी,
मैंने ना सिविल के माध्यम से जो गारंटी दे रहे हैं अभी लोगों को, 1,25,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन दे रहे हैं। चारों ओर से देखे हम लोग तो राजस्थान में वो फैसले हुए कि राजस्थान आज पूरे देश में चर्चा में आ गया। मैं जो कहना चाहता हूँ आपको कि राजस्थान आज पहली बार, मेरा अनुभव कहता है, पार्लियामेंट में आपने मुझे भेजा था 80 के अंदर, पर मैंने कभी भी राजस्थान में चर्चा में नहीं देखा। दिल्ली में शिवी जोशी जी भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं पंजाब तक, चर्चा में रहता कभी रहा ही नहीं होगा। जो अब आया है चर्चा में हर चीज के अंदर, उपने जाऊ की हम ग्रहण करेंगे, चर्चा चली पूरे देश के अंदर चर्चा केंद्र सरकार की चिंतित है कि क्या करें। आज दिन क्या है, ग्रांट टू हेल्थ कहीं नहीं है देश के अंदर, मिनिमम इनकम गारंटी दी मैंने बना दिया असेंबली के अंदर, वो कहीं नहीं है। गिग वर्कर्स नया जो कंसेप्ट शुरू हुआ वर्ल्ड के अंदर, जिसमें जो उबर ओला जो आई एजेंसियाँ हैं, जोमेटो वगैरह जो भी हैं, इन सब में जो काम करते हैं, काम एसोसिएट होते हैं, वो भी एक बड़ी समस्या आने लग गई, क्योंकि उनका कोई सिक्योरिटी नहीं है। हमने जो कानून पास किया है गिग वर्कर्स का और उनके वेलफेयर के 200 करोड़ रखे हुए हैं, आप बताइए उसके काम से। अभी मैंने आर्टिकल देखा 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, जितना मिस्टर मैथ्यू कोई है न्यूयॉर्क बेस्ड जो एसोसिएशन है उनका भी वो सदस्य है, वो कह रहा है कि ऐसा कानून देश के हर राज्य में बनना चाहिए और दुनिया के मुल्क में बनना चाहिए। राजस्थान को जरा राजस्थान में कानून बना है, वैसे कानून दुनिया के मुल्कों में बनना शुरू होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे कानून हमने पास किए हैं राजस्थान के अंदर भी, तो कहने का मतलब कि जो चारों ओर से जो हम लोगों ने गवर्नेंस की है 5 साल तक आप लोगों का आशीर्वाद से, उसी चर्चा देश के अंदर है, इसलिए वो चर्चा। बल्कि हमारी स्कीम में जो है, इस दौरान कोविड जब था तो मैंने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने करी, 350 खाली उसमें कोविड को लेते थी। कई बार प्रधानमंत्री जुड़े हुए उसके अंदर, बोले कहते घर के जो हम ऐसे भी जारी करते थे राजस्थान जन मंत्रालय, कोई सेकेंड ऐसे भी जारी होती नहीं, भारत सरकार से होती थी, तेल भी हम जारी करते थे। इस प्रकार से आज भी जो स्कीम हमारी है, मैंने कहा कि चर्चा में क्यों आ रहा था, अब जो सरकार ने मैनिफेस्टो बना लिया अपने, चाहे कोई पार्टी से रहा, हमारी योजनाओं को आधार बना के मैनिफेस्टो बनने लगे देश के राज्यों के अंदर। कल मध्य प्रदेश के सीएम ने घोषणा की करी है 450 रुपये गैस सिलेंडर, आप सोच सकते हो कल की बात है। सारे लोग उस नामे चल पड़े हैं, इन राजस्थान क्या क्या करना है। और जो ग्रामीण ओलंपिक पिछली बार मैंने शुरू किए, 30,00,000 लोगों ने पंजीकरण करवाया, 10,00,000 महिलाएं थी, उम्र की कोई सीमा नहीं थी, 50 साल 70 साल के लोगों ने कबड्डी खेली थी, खो खो खेल रहे हैं, रस्सा कदी कर रही महिलाएं, मैं खुद जाके आया अभी पिछली बार, मैं काफी जगह गया, इस बार मेरी चोट लगी जा नहीं पाया, इस बार थोड़ा फसल का वो टाइम भी था, पर इस बार लगभग 60,00,000 लोगों ने 60,00,000 लोगों ने पंजीकरण करवाया, क्योंकि करीब 25,00,000 महिलाएं हैं। कहने का मतलब ये भी चर्चा करना देश के अंदर कि राजस्थान के अंदर ग्रामीण ओलंपिक के नाम से राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेल हो रहे हैं, सबको इस प्रकार से लगा दिया खेलों के अंदर कि माहौल खेलों में बने, जो टैलेंटेड हैं टैलेंट बाहर आए उनको प्रशिक्षण दें, अच्छे कोर्स दें, तो आज ओलंपिक में कॉमनवेल्थ में एशिया में कहीं अटेंडेंस आते हैं देश के लोग, छोटे छोटे दुनिया के मुल्क हैं, छोटे छोटे कितने बार ले आते हैं वो, अब माहौल बनने लगा राजस्थान के अंदर भी। हरियाणा में अच्छा काम किया पहले, अब हमारे यहाँ भी हमने 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ तक दे दिए, अवार्ड दे दिए उनको, आउट ऑफ टर्न सर्विस दे रहे हैं कि DOSP बन रहे हैं, आर्ट सेंटर दे दिया, सब तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं हमको। तो कहने वाले हर क्षेत्र में राजस्थान में पानी के अंदर जे योजना चल रही है,
उसमें भी हमारे कॉलेज में ज़्यादा है केंद्र सरकार से, क्योंकि जो गांव वाला इकट्ठा करना था 10%, वो भी स्टेट गवर्नमेंट देने का फैसला किया है कि हमारे यहाँ इसी में लागू हो। बिजली उत्पादन में भी हम इसी योजना कह रहे थे आपको, हमारी पूरी टॉप प्रायोरिटी है। बिना बिजली के आप विकास का कल्पना नहीं कर सकते। सड़कें आज 150,000 किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं, 150,000 किलोमीटर सड़कें, 70,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी है, बाकी बन रही है। बाकी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेगा हाईवे, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स, गाँव के आपस के अंदर मिसिंग लिंक सब बन रहे हैं। आज आते हैं सड़कें जो है, पहले लोग कहते हैं गुजरात से आते हैं कि नींद खुल जाए कार में समझ में रहता ना गया, अब उल्टा मामला है। अब पता कर लीजिए उल्टा मामला, राजस्थान में इतनी शानदार सड़कें बन रही है, आप कहीं जाओगे, अब मैं गया दूर पर गांव के अंदर चला गया रात को खाना खाने के लिए किसी MLA के घर पे, गांव बिल्कुल पहाड़ी के अंदर होते मानते मालूम आपको आदिवासियों के, शानदार सड़क बनी हुई थी वहाँ पर, तो लोग मान गए कि राजस्थान में सड़कें अच्छी स्थिति बन गई है। 1 करोड़ लोगों दे रहे हैं सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं, अभी 1,000 रुपये मिनिमम दे रहे हैं। तो मैं आपको जो निवेदन कर रहा था कि पैसे से बातें करनी बहुत सारी है, परंतु आज हम राजस्थान के अंदर बंजर भूमि हमारे लिए पहले अभिशाप थी, वो वरदान साबित हो गई है, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज जाके वो जमीन खरीद रहे हैं किसान से, सरकार के अलॉटमेंट करवा रहे हैं सोलर लगाने के लिए, विंड लगाने के लिए, बदलाव आ गया पूरा, पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है। और तो और आर्थिक रूप से देश में नंबर 2 राज्य जो है राजस्थान है देश के अंदर, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, दक्षिण राज्यों में जाकर बात कर, उत्तर भारत के अंदर नंबर 1 हम हैं, आंध्र प्रदेश नंबर 1 है 11.4% GDP, 11.04% राजस्थान है, उत्तर भारत के राज्यों में राजस्थान नंबर 1 पर। इस प्रकार से IT में हम नंबर 1 है, ऐसे कई सेक्टर मिलेंगे आपको, वक्त नहीं कि मैं उस पर पूरी दृष्ट बताऊँ, पर ऐसे मिलेंगे सेक्टर, अधिकांश जगह पर हम लोग बहुत नंबर 1 पे देश के अंदर। और ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये आंकड़े भारत सरकार के आंकड़े हैं, भारत सरकार के आंकड़े हैं। इतने मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान आज वो स्थिति में पहुँच गया है जहाँ पर हर सेक्टर में, एजुकेशन में और बाकी योजना में इतने आगे बढ़ रहे हैं। हमने सोचा क्यों नहीं हम भी सपना देखें 2030 का नई पीढ़ी के लिए, हम वर्तमान पीढ़ी के लोग नई पीढ़ी को क्या सौंप के जाएंगे, कैसा प्रदेश हो के जाएं, हमारा प्रदेश राजस्थान कैसा प्रदेश हो नई पीढ़ी के लिए। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था भी सपना देखना सीखो, हम 1 करोड़ लोगों को जोड़ना चाहते हैं। आपको आह्वान करते हैं कि आप अपना अनुभव, जो अनुभव है जिंदगी का, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है, उनको शेयर करें सरकार के साथ में। डॉक्यूमेंट हम लोग बनाना चाहते हैं, हम एक लिए वो बन जाएगा डॉक्यूमेंट, और उस पर बनाने कौन मुख्यमंत्री को किसी सरकार होगी वो मैं नहीं जा रहा हूँ उसके अंदर। मैं ये कह रहा हूँ हमारी सोच होनी चाहिए 2030 तक जो है राजस्थान कैसा बने, ये हम लोग अपना सपना संजोए, अपने अनुभव शेयर करें, ये डॉक्यूमेंट बन जाए, उनके डॉक्यूमेंट आधार पर राजस्थान के पर कैपिटा इनकम, कृषि के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, बिजली में, पानी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी के अंदर, IT के अंदर, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं ये हम अपने अनुभव शेयर करें। तो मैं समझता हूँ इसको लोगों ने वेलकम किया है, पूरे राजस्थान के अंदर आप 2030 की बात होने लग गई है, यही सोच के हम आगे बढ़ना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो शुरू की बात की हम लोगों ने उसमें लोगों ने रिस्पॉन्स बहुत शानदार मिलने लग गया अभी से, और उम्मीद करता हूँ कि वक्त आने पर बताएंगे कि वास्तव में डॉक्यूमेंट किस तरह का बना है। बाकी जो तुम तो आप दिख रहे हैं कि और भी शानदार है, आज शाम को हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं रोडवेज का नया जो बना है डिपो पावटा के अंदर, बाकी जो जेनआई गैस पूरा कार्यक्रम हो गया उसका भी
तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए रात काम कर रहे जोधपुर के बन रहा है, जयपुर में हमें खुशी होगी, दिल्ली के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बन रहा है, सीपीजी साहब बैठे हैं विधानसभा के अध्यक्ष, जैसे वहाँ पर लोकसभा के साथ में बना हुआ है, यहाँ हम अपने बनाना शुरू कर दिया है। इंडिया इंटरनेट सेंटर नाम सुना होगा आपने, दिल्ली में बना हुआ है, सारे जजेज हो, इंटेलेक्चुअल हो, रिटायर्ड लोग हो, बैठ के बात करते हैं क्या होना चाहिए देश के लिए। दिल्ली सेंटर ने बना दिया राजस्थान के अंदर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बना दिया है, चालू हो गया है, बुकिंग बहुत भयंकर हो रही है वहाँ पर, यहाँ पे भी हम जल्दी इसको शुरू कर रहे हैं और तुरंत अगले महीने शुरू कर देंगे। महात्मा गांधी नाम म्यूजियम शानदार बन रहा है जयपुर में, हिंदुस्तान में कहीं ऐसे म्यूजियम नहीं होगा, वो बन रहा है मधु मंदिर में, जो आर्किटेक्ट है मधु मंदिर वो इस काम को देख रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरह महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का संस्थान खड़ा हो रहा, बिल्डिंग बनने लग गई है, सारी संस्थाएं जो है प्रीमियर संस्थाएं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि पंडित नेहरू ने जो सपना देखा था आज़ादी के वक्त में और जो दूरदर्शी दिखाई थी, जिसकी आज आलोचना करते हैं नेहरू को, इतिहास में 15,000 करने की बात करते हैं, उसी पंडित नेहरू ने बड़े बड़े कल गा खाने लगा स्थापित कर दिए, बड़े बड़े बांध बना दिए, IIT IIM इन जैसी संस्थाएँ खड़ी कर दी, 56 आपका दिल्ली का एम्स बन गया था जो जंगल था वहाँ पर, आज एम्स है वहाँ का, और उसके कारण आज हम जब पहुँचे हैं आधुनिक भारत में, वो इतने मजबूत उसके कारण पहुँचे। आज जो आपका चंद्रयान 3 गया है, जैसे नहीं गया है, 62 के अंदर जो है, 62 के अंदर जो विक्रम साराभाई गुजरात के थे, बाबा भूमि भावा डेथ हो गई बाद में प्लेन क्रैश से शायद, उनकी सलाह से पंडित नेहरू ने स्थापना करी थी इस स्पेस के अंदर, बाद इंदिरा गांधी जी ने इसको इसरो बना दिया 2002 के अंदर बेंगलोर में। आप बताइए 100 उपग्रह एक साथ छोड़े जा रहे हैं 1900 से, दुनिया भर के मुल्कों के चलते हिंदुस्तान के चंद्रयान गया 3, आज अगर इसरो उस पर सोचनी होती 60 साल पहले की तो आज वो संभव नहीं था। तो इसलिए जो नींव थी मजबूत है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान साथ में आज़ाद हुए, पाकिस्तान में ग्रहण चल रहा है वहाँ पर, पाकिस्तान में ऐसी स्थिति को सोच नहीं सकता है। तभी न्यूज़ पढ़ा था पाकिस्तान में एक स्टेट में इलेक्शन होने वाले थे, इलेक्शन करवाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, कहाँ हिंदुस्तान पहुंच गया कहाँ पाकिस्तान रह गया। कहने का मतलब है कि जो कुछ भी देश में आज हुआ 70 साल में उसको भी हम रिकॉग्नाइज करना चाहिए, अगर इतिहास को बनाएंगे तो आगे आने वाले वक्त में इतिहास बना नहीं पाएंगे हम अपना भी नहीं बना पाएंगे। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिए, हम तो बचपन में गए थे वहाँ बॉर्डर पर काम करने के लिए, हमें मालूम है क्या दृश्य था वहाँ पर, कितने सन्नाटे आए थे इंडिया में, और 2 टुकड़े पाकिस्तान के बड़बंदी से अलग बना दिया। इंदिरा गांधी को हम मिटाना चाहते हैं, छीना छनी हो गया जिसका खालिस्तान नहीं बनने दिया उसने, आप लेकिन लोग मालूम होगा कितने लोग मरते थे, आज 25 मर गए, 60 मर गए, 40 मर गए बस के अंदर ट्रेन के अंदर, कितना आतंक था उस वक्त आतंकवादियों का, मुकाबला किया जानी भाई लगा करके, उसको भूल रहे हैं। तो जो कुछ हालात हो रहे देश के अंदर वो बहुत ही चिंताजनक हालात है, और उद्योगपतियों की अपनी भूमिका होती है, आज़ादी के पहले भी जो वकील हुए उद्योगपति हो, आज़ादी जंग के अंदर सबने भाग लिया था, अभी जीडी बिड़ला जी थे, जीडी बाबू गांधी जी के साथ में रहे, बजाज में बजाज ने आश्रम बनाया, सेवाग्राम आश्रम ट्रेलर थे वो ऐसी जी के, आज़ादी ऐसे नहीं मिली थी। आज जिस प्रकार की आलोचना होती है, जिस प्रकार संविधान की धज्जा उड़ रही है, इनकम टैक्स ईडी सीबीआई छापे पड़ रहे हैं, कहीं छापे पड़ने लगे सब लोग इलेक्शन आ रहे हैं यहाँ पर, कहीं छापे पड़ने लगे ईडी पहुंचे सब लोग इलेक्शन आने वाले हैं यहाँ पर, इतने माहौल बन गया है।
आप देख रहे हो कि बड़े बड़े इंडस्ट्री में डरे हुए हैं, बोलते नहीं है, बोलेंगे पता नहीं हमारे घर ईटी पहुंच जाएगी। हालांकि बड़े गंभीर है, समझना पड़ेगा हम लोगों को। और हम नहीं कहेंगे, हम अपने आप का कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे, हम क्यों बोलते हैं, हम भी नहीं बोल रहे। पर हालात बड़े गंभीर है, लोकतंत्र की स्थिति जो है खुलापन होना चाहिए। संविधान की मूल भावना क्या है उसके सामने रख के शासन चलना चाहिए, तब जाकर के आज 70 साल में जो हमने मान सम्मान कायम किया। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा था मानगढ़ के, कि उन लोग साल बैठे मंच में, प्रधानमंत्री जी आप जानते हो दुनिया के मुल्कों में आपका सम्मान होता है, क्यों होता है, दुनिया जानती है कि आप गांधी के देश से आए हो, दुनिया जानती है कि आप वहां से आए हो जहां लोकतंत्र की जड़ मजबूत है, कई बार सरकार बदली है, सत्ता सौंप दी गई है। इंदिरा गांधी जैसे माना चुनाव चुनाव हारे नेता एक सेकंड में लगा मोरारजी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी कि वो मुल्क है पाकिस्तान की जमीन में, इसलिए आपका सम्मान होता है। कहने का मतलब यह कि जो कुछ भी राजस्थान में मैं बात करूँ तो 2030 मिशन है, उतना आप सब लोग भागीदार बनी है। और शिवजी जोशी इनके बातें कहनी हुई, इनके आइडिया था 23,000 स्कूलें खुली हमारी राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पार्षद में, जब ये मेरे सामने शिक्षा मंत्री थे, पंजाब राज मंत्री थे 98 के अंदर। और आज वो 23,000 स्कूलें गाँव में, पहली बार हम लोग बहुत पीछे थे शिक्षा के अंदर, परसेंटेज लाइट एक ही सोची गांव तक, गांव के टीचर लग जाए, गांव में लोग पढ़ाए, जिससे कि SC ST OBC महिलाएं पढ़ सके गांव की। इतना बड़ा जंप उसके बाद हुआ राजस्थान के अंदर। अभी आगे मुझे याद नहीं, जब मैं 98 में था उसके मुकाबले हमने बहुत बड़ा जंप कर लिया राजस्थान के अंदर। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, पर मुझे खुशी है आशीष जोशी हमारे बीच में हैं। और आप सब जानते हैं, मैं कई बार कहता हूँ मीडिया के अंदर भी, कि मेरे ऐसे मित्र हैं, दो मित्र मेरी कमजोरी है, नंबर वन CP जोशी, नंबर वन जुगल कावरा थे, आज मैं अपनी वीकनेस मानता हूँ, दोनों को मैं बहुत सम्मान देता रहा हमेशा। और आज हमारे बीच नहीं थे कावरा साहब, उनकी याद हमेशा हमें सताती है। और एक CP जोशी जी बहुत खुल के बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, और मुझे अच्छा लगा आज सहयोग से करके प्रोग्राम आए। आज हमने उनको रिक्वेस्ट की, रुक गए और आज हमारे बीच में, मुझे अच्छा लगा। तो आज तीन बातें करना आप सबको, ये हॉल जो बना है जग शांति, जगत में शांति से करना बहुत आवश्यक है। हमने विभाग बनाया है राजस्थान के अंदर, मैं कहना भूल गया, उसका नाम है शांति व अहिंसा विभाग, पीस एंड नॉन वायलेंस डिपार्टमेंट। हिंदुस्तान में वही बना, सिर्फ राजस्थान ने बनाया, और काम भी चल रहा, ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं गाँव गाँव में, ब्लॉकों के अंदर, डिस्ट्रिक्टों के अंदर, अच्छा काम कर रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं उसके अंदर। और जब मैंने देखा एक शांति, तो मैंने खुद ने मैसेज करवाया एक शांति का यह बंधु उद्घाटन करेंगे। मैंने पढ़ा जयपुर में बहुत लंबी लिस्ट थी प्रोग्रामों की, एक शांति में गए, इतने सब्जेक्ट भी अच्छा है, हमारा अच्छा प्यारा सब्जेक्ट भी है। और सुनिए, मैंने माता पिता के नाम से भी रखा नाम, तो मैं छोटी सी बात आप सबके दर्शन में जाएंगे, मिलना हो जाएगा, लंबा सा हो गया आपसे मिलना हो नहीं रहा था, 2 महीने मेरे इसमें लग गए, दोनों पैरों के अंगूठों में फ्रैक्चर भी है। एक अजूबा बताऊँ आपको, दोनों पैरों के अंगूठों में, एक में नाखून पूरा खुल गया और हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, दूसरे अंगूठे में 3 टुकड़े हो गए। डॉक्टर कहते हैं हमारी जिंदगी में ऐसा कोई केस आया ही नहीं, दोनों अंगूठे एक साथ फ्रैक्चर के कभी आए ही नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा कभी आया नहीं, दोनों अंगूठे एक साथ फ्रैक्चर हो जाए, घर के अंदर स्लिप हो गए और ये हो गया। तो मैंने कहा कि 2 महीने मेरे खराब हो गए, घर बैठे इतना संभव था, मैं काम करने का प्रयास किया, तो मैं चलो जोधपुर जा रहे हैं लंबे अरसे बाद में, तो आप सबसे मिलना हो जाएगा। और मुझे पता है कि हर चुनाव में, पहले चुनाव से आप लोगों ने मेरा हमेशा साथ दिया, साथ सबने दिया,
वो समझ नहीं गया था। साथ सबने दिया और मैंने बड़ा दिल रखा, कोई मतलब नहीं, चाहे वो साजन अल्लाह हो चाहे और भी साहब हो, कि आगे से कटे लोग थे उसके अंदर, सबको मैं साथ लेके जाता था और साथ लेके चला मैं। और वो दो अलग बात थे, पर प्यार मोहब्बत भाईचारा स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ ने रखा सबने। और यही होता है, यही होना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि यार आप सबसे मैं मिला, काफ़ी लंबी मीटिंग हो गई और मीटिंग में ऐसी रूप में हो गई जो मेरे समय कोई सेमिनार हो रही है। आप लोग बैठे हो जो ऊपर नीचे से बैठे हुए हैं इस रूप में, तो अच्छा लग रहा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।